हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। आज हम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो निकल रहा है एसबीआई बैंक से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वैकेंसी निकली हुई है, रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। तो इसमें किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम हम आपको दिखा देते हैं कि जो वैकेंसी निकल रही है एसबीआई बैंक से निकल रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो इसमें आपको डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी और फायर ऑफिसर की वैकेंसी मिल रही है। ठीक है मित्रों, तो हम दिखा देते हैं सीधा वैकेंसी। यदि आप एलिजिबल है इस फॉर्म के, इस भर्ती के लिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारी प्रथम पोस्ट निकल रही है डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी की, यहाँ आपको रेगुलर बेस पर वैकेंसी मिल रही है। इसमें आपको एक वैकेंसी रेगुलर मिलेगी, एक संविदा पे मिलेगी। मतलब एक आपको ये जो हमारी सिक्योरिटी की है वो परमानेंट वैकेंसी है। इसके बाद में जो फायर ऑफिसर है वो, ये जो वैकेंसी है संविदा पे वैकेंसी रखी गई है। इसमें जो प्रथम पोस्ट में आपको जो टोटल पोस्ट मिल रही है 27 पोस्ट मिल रही है, और जो फायर ऑफिसर है उसके लिए 21 पोस्ट मिल रही है। इसमें यहाँ देख सकते हो आपकी एज क्या रखी गई है, 31/8/2018 को आप कम से कम 28 साल, अधिकतम आपकी उम्र 40 साल है, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद में यही इसमें प्रोसेस रखा गया है कि आपकी 31/8/2018 को 35 और अधिकतम आयु 62 साल तक है, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट के बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आपको जो वैकेंसी संबंधित योग्यता है वो दिखा देते हैं। तो यहाँ आपको जो डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी की यहाँ पोस्ट निकली, उसके लिए आपको जो है ग्रेजुएट होना है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसमें कम से कम 5 साल का अनुभव मांग रखा है। बात करते हैं इसमें ये वैकेंसी, ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फायर ऑफिसर की वैकेंसी में आपको यहाँ बहुत सारे डिप्लोमा, यदि आपने बीटेक की है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जो प्रथम जो हमारी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ देख सकते हो, मतलब तो वी फॉर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से डिप्लोमा किया है आपने। तो यहाँ नेक्स्ट है आपने बीटेक की है सेफ्टी एम फायर इंजीनियरिंग से, तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद में बीटेक फायर सेफ, बीटेक की है आपने फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। तो इसमें ये योग्यता दिखा रखी है, यदि आपने की है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। ये जो वैकेंसी वैसे भी संविदा पे रखी गई है, इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट जो वैकेंसी है अब एक नंबर की वैकेंसी मिल जाएगी। इसमें आपको जो पेमेंट क्या मिलेगा, तो पेमेंट मित्रों आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसमें पेमेंट आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में SC ST OBC को इस भर्ती प्रक्रिया में छूट मिल रही है, और इसमें जो आपके आवेदन शुल्क रखा गया वो रखा गया है जनरल और OBC को यहाँ देने पड़ेंगे 600 रुपये। ठीक है मित्रों, और SC ST, जो SC ST और जो PWD के कैंडिडेट हैं उसको यहाँ देने पड़ेंगे 100 रुपये आवेदन शुल्क, इस भर्ती प्रक्रिया में आपको देना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार की क्वालिफिकेशन रखते हो तो ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें है एग्ज़ाम नहीं हो रही, सीधा आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके जो प्राप्त अंक हैं, और उसके बाद में आपका इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना है, तो यहाँ देख सकते हो ऑफिशियल PDF, ऑफिशियल आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ये देख सकते हो। इसके बाद में हम सीधा लास्ट डेट दिखा देते हैं। लास्ट डेट है मित्रों इसकी 7/9 से फॉर्म स्टार्ट हो गया, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 24/9/2018 तक। आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।